हेलो एवरीवन, इग्नो रिक्वायरमेंट वर्तमान आसी जाइए आपण पाखे जो पिला माने दशम एवं प्लस टू पास करछंती ए रिक्वायरमेंट आसी जाइए। देखो एथिरे उभय मेल एवं फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करि परिबे, जो थिरे आपण माने जदि 10th पास करछंती एवं प्लस टू पास करछंती ताले ए पोस्ट पे अप्लाई करि परिबे। जदि आपण प्लस टू जेकोनसी स्ट्रीम रे पास करथंतु, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जेकोनसी स्ट्रीम रे पास करथिले आपण अप्लाई करि परिबे। तो डिटेल्स कौन रही छि से विषय रे देखिबा सीधा सळ को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जीवा। जो मैंने वीडियो देखते एपर्तंत सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। एभली नुआ नुआ अपडेट पाइबा टेलीग्राम चैनल रे मध्ये जॉइन हो पारे, डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम रो लिंक अच्छी, टेलीग्राम चैनल रो लिंक रे क्लिक करके आपन सीधा सड़क जॉइन हो पारे। जहाँ भी अपडेट किसी सर्ट इनफर्मेसन आप लोकाल एरिया जॉब इनफर्मेसन और ऑल ओडिशा ऑल इंडिया लेवल रो जॉब इनफर्मेसन आपखे पहुँच, तो सीधा सड़क नोटिफिकेशन आपण निजे मोबाइल रे पाई परिबे एवं अति शीघ्र पाई परिबे। सेतिपई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को ऑन रखंतु एवं टेलीग्राम चैनल रे एवं व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन होंतु। देखंतु आपण मानकर नोटिफिकेशन टी वर्तमान ओपन हो जाइछि, जो पिला माने चाहिबे सीधा सड़क निजे ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे। तो अप्लाई करिया पई कौन डेडलाइन रही है, कौन इनफर्मेसन इंपोर्टेंट जिनस रही से विषय जानवा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रोचे आप फर्स्ट डिसेंबर रु 21 डिसेंबर लास्ट रोचे राति 12टा पर्यंत आपमन को टाइम रोचे। डिसेंबर 21 राति 12टा पर्यंत बा 11:59 पर्यंत आपण माने अप्लाई करि परिबे ऑनलाइन माध्यम रे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रो क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग अप टू 11:59 PM। आपर जो 21 डिसेंबर रात 11:59 पर्यंत रोचे डेडलाइन, से भितर आपर पेमेंट डेट से भितर ही करा पड़ो। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। देखते जदि कौन भूलभाल हो जाए आपण मानक 21 डिसेंबर लास्ट रोचे अप्लाई करार, जदि किसी भूलभाल रोचे जदि आप करेक्शन कराया चाहते तेल 22 डिसेंबर रु 25 डिसेंबर पर्यंत आपण मैंने करेक्शन करेंगे। करेक्शन ऑप्शन अवेलेबल अच्छी, जो मैंने 21 डिसेंबर मध्य सबमिशन कर देखते चाहते किसी करेक्शन करने तेल से 22 डिसेंबर रु 25 डिसेंबर पर्यंत करेक्शन करें। आप्लिकेसन फी देखु कौन रही, जो पे यूआर एवं ओबीसी, जो पे यूआर एवं ओबीसी कैटेगरी जाऊँच को 1000 टकर आप्लिकेसन फी देवाक पड़ो। जो पे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस फीमेल एवं पीडब्ल्यूडी ये चार्टे कैटेगरी पांचटी कैटेगरी जो पे जाते केवल 600 टकर ऑनलाइन आप्लिकेसन फी देवाक पड़ो। एडमिट कार्ड आसिले आपको अपडेट मिल जाव, टेलीग्राम जॉइन हूँ, व्हाट्सएप जॉइन हूँ, एडमिट कार्ड पर सर्ट नोटिफिकेशन सागे सागे आप मिल जाव। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पर आपको इनफॉर्मेशन दिया जिवो एवं एग्जाम सेंटर रहिवो आपको एडमिट कार्ड रे लिखा जिवो। जो एग्जाम सेंटर आपको एग्जाम देवार थी से एग्जाम सेंटर आपर एडमिट कार्ड रे लिखा जाइथिबो। ता पूर्व आपको एग्जाम डेट रो जथेष्ट समय पूर्व आपको पाखरे एडमिट कार्ड पहुँचे। वेबसाइट आप देखते आपर ऑफिशियल वेबसाइट रोचे, वेबसाइट आप दुटा वेबसाइट रही देखो exams.nta.ac.in। सेकेंडरी रोच curect.nta.online.in। यह दुटा वेबसाइट आप चेक करें, निजर ऑफिशियल वेबसाइट जाप्लाय करें, ऑल एलिजिबिलिटी डिटेल देखिपारे। तो अप्लाई करने समय कौन करेंगे ना आपर फोटो एवं सिग्नेचर किभली अपलोड करेंगे। देखो फोटोर साइज आपण मानक रोज 10 KB रु 200 KB, 10 KB रु 200 KB मध्य आपर पासपोर्ट आपण अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपण रनिंग हैंड रे अपलोड करेंगे, जो पिला माने सिग्नेचर जमी रनिंग हैंड रे कर रनिंग हैंड रे सिग्नेचर थी से 4 KB रु 30 KB मध्य साइज हो तार एवं से 4 KB रु 30 KB मध्य सिग्नेचर आपन अपलोड करेंगे।
बर्तमान देखिबा तार पे स्केल कौन रहइबो एवं एज केते नागुचि आपमानकर ए पोस्ट पई द नेम ऑफ पोस्ट पे मैट्रिक्स एवं एज लिमिट देखिबा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पई मागुचि आपमानकर 18 रु 27 वर्ष जो मानकर एज थिबो ताले से माने अप्लाई करि परिबे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट पई जोटा शॉर्ट रे JAT कहा जाउ छी एवं तार पे लेवल रहइबो आपमानकर 19900 रु 63200 जोटा कि लेवल टू सेवेन्थ CPCA ऑर्डर रे जाउची 19900 रु 63200 रे आपण मानकर दरमा रहइबो। स्टेनोग्राफर जो पिला माने स्टेनोग्राफर रे अप्लाई करछन्ती से मानकर एज रहइबो 18 रु 30 वर्ष एवं जदि से माने पोस्टिंग होछन ताकर पे स्केल रहइबो 25500 रु 21100 जोटा कि लेवल 4 सेवेन्थ CPCA अनुसार आपण मानकर आसिबो 25500 रु 21100 आपण मानकर रहइबो। एज लिमिट रहइबो 18 रु 30। एज रिलैक्सेशन मध्ये अवेलेबल अछि जो पिला माने SST अंडर रे जाउचंती से मानकर एज 5 वर्ष रिलैक्सेशन रहउची। जदि OBC अंडर रे जाउचंती ताले से मानकर 3 वर्ष रिलैक्सेशन रहउची। जदि डिजेबिलिटी कैटेगरी अछंती ताले आपण मानको 10 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन मिलिबो एवं जदि डिजेबिलिटी अछंती एवं ता सहित आपण मानकर कैटेगरी जदि OBC अछि जदि OBC कास्ट रहैछंती एवं आपण जदि डिजेबिलिटी अछंती आपणको मैक्सिमम 13 वर्षर रिलैक्सेशन मिलिबो। सेहिपरि आपण जदि SC ST कैटेगरी रहिछन्ती एवं आपण जदि डिजेबिलिटी अछन्ती ताहेले आपण मानको 15 वर्षर रिलैक्सेशन मिलिबो। सेहिभलि एक्स सर्विसमैन एवं कमिशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO एवं SSCOs जदि एक्स सर्विसमैन अछन्ती ताहेले से मानको पीरियड ऑफ मिलिटरी सर्विस प्लस 3 वर्ष। सेहिपरि देखन्तु डिजेबल्ड डिफेन्स सर्विस पर्सनल जदि डिजेबल्ड डिफेन्स सर्विस पर्सनल अछन्ती ताले आपण मानको 45 वर्ष एज रहइबो मैक्सिमम एवं जदि डिजेबल्ड डिफेन्स सर्विस पर्सनल अछन्ती एवं आपण जदि SC ST कैटेगरी रहिछन्ती ताले आपण मानको मैक्सिमम एज लिमिट रहइबो 50 वर्ष एज। ओ लेडीज माने जो फीमेल माने विधवा अछन्ती विडोज अर्थात विधवा एवं डिवोर्स अछन्ती जदि डिवोर्स देकि अछन्ती से वुमेन्स एवं जदि विधवा अछन्ती ता सहित जदि जुडिशियली से माने सेपरेट अछन्ती एवं रीमैरिड करिनांती जदि गोटे वुमेन डिवोर्स जुडिशियली सेपरेट होइ जेंती ताको हस्बैंड टू एवं से माने से जदि रीमैरिड करिनांती ताले से मानको 35 वर्ष पर्यंत एज लिमिट रहइबो। ता सहित जदि एई कैटेगरी जाउचंती विडोज डिवोर्स वुमेन बा सेपरेटेड वुमेन अछंती एवं नॉट मैरिड हेकि अछंती एवं ता सहित आपण जदि SC ST कैटेगरी जाउचंती सेई भली सेई परिवेक्षरे आपण मानकु 40 वर्षर एज लिमिट रहइबो। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जदि आपण स्पोर्ट्स पर्सन अछंती ताहेले आपण 5 वर्ष रिलेशन रहइबो एवं स्पोर्ट्स पर्सन थाइकि जदि आपण माने SC ST कैटेगरी जाउचंती ताहेले आपण 10 वर्षर रिलेशन मिलिबो। एभली हिसाब से आपर एज रिलैक्सेशन रही देखते एग्जाम आपर कि एग्जाम आपर स्कीम ऑफ एग्जाम टायर 1 टायर 2 एवं हाँ टायर 1 एवं टायर 2 एभली हिसाब से आपर एग्जाम हो टायर 1 आपर कंबाइंड फॉर द पोस्ट ऑफ JAT एंड स्टेनोग्राफर। टायर 1 टा आपर दुईटी जगह पोस्ट में एकाधारे टायर 1 टा देबे समस्त देबे एवं टायर 2 रे दुई प्रकार हेबो टायर 2 रे आपर JAT पे अलग रहइबो एवं स्टेनोग्राफर पे अलग रहइबो। टायर 2 JAT पे कोन रहिछ ना टायर 2 JAT रे जो पिला माने CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रे पास हेबे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेबो एथिरे आपर बाइलिंगुअल क्वेश्चन आसीबो जो थिरे हिंदी और इंग्लिश रो क्वेश्चन थिबो आपण माने इंग्लिश किंबा हिंदी क्वेश्चन चूज करि पारिबे। कंप्यूटर बेस रे टेस्ट जदि आपण माने पास करि जाउ जंती बा क्वालिफाई हे जाउ जंती ताहेले आपण मानको टायर 2 रे क्वालिफाई करिया पडिबो। टायर 2 रे JAT बा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ए पोस्ट पै आपण मानको टायर 1 रे पास करथिया दरकार एवं एथिरे आपण मानको स्किल टेस्ट निया जिवो टाइपिंग टेस्ट जोटा कि आपण मानको टाइपिंग टेस्ट रहइबो। ता सहित आपण मानको जदि स्टेनोग्राफर रे अप्लाई करछंती टायर 2 रे आपण मानको स्टेनो रो आपण मानको स्किल टेस्ट रहइबो स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग दिटा रको आपण मानको टायर 2 रे टेस्ट देबाक पडिबो। सिलेबस कोन रहइबो देखंतु माने सिलेबस रे आपण मानको एग्जाम टायर 1 रे आसीबो सेक्शन 1 रे मैथमेटिकल एबिलिटी रहइबो 30 मार्क रो रीजनिंग ए जनरल इंटेलिजेंस रहइबो 30 मार्क रो हिंदी इंग्लिश एवं कंप्रेशन रहइबो 30 मार्क रो जनरल अवेयरनेस रहइबो 30 मार्क कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल ऊपर रहइबो 30 मार्क
এইভাবে হিসাবে আপনার টায়ার ওয়ান পরীক্ষা দেবে টোটাল আপনার 150 মার্ক রয়েছে পাঁচটা সেসন রয়েছে পাঁচটা সেসন 150 মার্ক এক্সামিনেশন দেবে এবং আপনার টায়ার ওয়ান হি ক্লিয়ার করতে পড়বে 150 কোশ্চিন তারপরে আপনার টায়ার টু যার টাইপিং টেস্ট থাকবে টাইপিং টেস্ট রহব এবং যার স্কিল টেস্ট রহব যে স্টেনো মানুষ সেই মানুষ স্কিল টেস্ট নিয়ে স্কিল টেস্ট এবং টাইপিং টেস্টে কোয়ালিফাইং নেচর রয়েছে মিনিমম স্পিড অফ 40 ওয়ার্ড পর মিনিট রহব আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং যে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপিং করছেন সে 35 ওয়ার্ড পর মিনিট রহব যে স্টেনোগ্রাফি দৌঁ সে স্টেনোগ্রাফি টেস্ট রহব 80 ওয়ার্ড পর মিনিট রহব এবং টাইপিং টেস্ট রহব সেই সমান রয়েছে সে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপিং দেলে 35 ওয়ার্ড পর মিনিট রহব এবং ইংলিশ দেলে 40 ওয়ার্ডস পর মিনিট রহব দেখুন এর আপনার যে টোটাল সিলাবস কো কো উপরে আসবে কোশ্চিন সেই উপরে মধ্যে পুরা ডিটেলস রয়েছে আপনার মানে পিডিএফ রে যাই পড়ি পারিবে বর্তমান দেখি ম্যাথমেটিক্যাল আবিলিটি রয়েছে রিজনিং জেনারেল ইন্টেলিজেন্স রে কো কো উপরে কোশ্চিন আসবে সব ডিটেলস এর আপনার মেনশন আছে আপনার মানে পিডিএফ রে ডাউনলোড করি কি পাই পারিবে আপ্লাই করিবার প্রসেস দেখুন আপ্লাই করিবার স্টেপ মধ্যে দেখি দিয়ন্তু যে মানে আপ্লাই করছেন কো করিবে না আপনার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দিয়ে যাই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটর লিঙ্ক লিঙ্ক মধ্যে মু ডেসক্রিপশন রে দেই দেবি লিঙ্ক রে ক্লিক করিকি আপনার মানে রেজিস্ট্রেশন করিবে রেজিস্ট্রেশন করি সারা পরে আপনার স্টেপ 2 রে ফিলিং অফ অনলাইন আপ্লিকেশন ফর্ম আপ্লিকেশন ফর্ম রে যাহা বি স্টেপ যাহা বি ডিটেলস মাগি থিবো আপনার মানে ফিল আপ করিবে তা সহিত স্টেপ 3 রে আপনার মানকু আপনার যে ফটো পাস ফটো এবং সিগনেচার স্টেপ 3 রে আপনার যে পাস ফটো এবং সিগনেচার পাস ফটো এবং সিগনেচার আপনার অপলোড করিবে ফটো আপনার অপলোড করা পড়ব এবং সিগনেচার অপলোড করা পড়ব স্টেপ 3 রে তারপরে আপনার 4 নম্বর স্টেপ রয়েছে পেমেন্ট অফ ফি ইউজিং সুইটেবল মোড অফ পেমেন্ট আজ পার ডিটেলস গিভেন ইন দি সেকশন আপনার যে যার যেতে টাকার পেমেন্ট আপনার দেওয়া কথা সেই পেমেন্ট আপনার স্টেপ 4 রে পেমেন্ট করা পড়ব অনলাইন মাধ্যমে হি পেমেন্ট করিবে তারপরে আপনার যে এক্সাম সেন্টার চয়েস করিবে স্টেপ 5 রে আপনার লাস্টে আপনার যেত পেমেন্ট সরি যাচ্ছি পেমেন্ট পরে এক্সাম সেন্টার চুজ করিবে এক্সাম সেন্টার চুজ করে সারা পরে আপনার সবমিশন করিবে দেখুন এক্সাম যেতবে দিয়ে যাচ্ছি এক্সাম দেলাবেলে কম করবে না আপনার এই 4টি জিনিস ম্যান্ডেটরি আপনার কনফর্ম করবার অছি এক্সাম দেলাবেলে আপনার জন যেত অনলাইন আপ্লিকেশন করছেন আপ্লিকেশন করার পরে আপনার কনফর্মেশন প্রিন্ট আউট কাড়ি রখবে
ए कन्फर्मेशन पेज आउट आपन को नियाति दरकार जेतले एग्जाम पय जिबे एवं सेकंड रे आपन प्रिंट प्रूफ ऑफ फी पेड आपन जो फी पेड करचोंदी जेतले पेमेंट करचोंदी पेमेंट रे कन्फर्मेशन बाहर जी तार प्रिंट आउट मध्य काढ़ की आपन रखिबे प्रिंट आउट काढ़ की रखिबे आपन जेतले एग्जाम देबा को जिबे सेतिर दरकार हेबो एवं ता सहित फोटोग्राफ सेम आज अपलोड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपन जेतले ऑनलाइन रे जो फोटोग्राफ अपलोड करचोंदी से फोटोग्राफ रो कॉपी मध्य आपन को नैगि जिबा को पड़िबो एग्जाम को गला बेले ता सहित कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड ए चारटी जिनस आपन मानको नेबा को पड़िबो जेतेले आपन एग्जाम देबा को जाउचंती ए चारटी जिनस मने रखंतु जेतेले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरुचंती एप्लीकेशन सबमिशन करबा पारे ध्यान दियंतु आपन मानकर जो पेमेंट सक्सेस होउची सक्सेस हला पारे सेई पेमेंट रो रिसीट काढंतु एवं ता सहित एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिशन हला पारे तार रिसीट मध्य से एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट काढ़ु प्रिंट काढ़ रखु आपर जो पासपोर्ट अपलोड करती तार कॉपी बाहर करूँ एवं जितेबाला एडमिट कार्ड आसुच्च जितेबाला एडमिट कार्ड आसुच्ची एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ये चार्टा जिनस आपको जवाक पड़ो ता सहित आपण कौन नाक पड़ो ना जो आईडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल आईडेंटि कार्ड नहीं जी पैन कार्ड हो आधार कार्ड हो वोटर कार्ड हो कि पासपोर्ट राशन कार्ड नंबर जहाँ भी आपको नहीं जावाक पड़ो जो मैंने चाहते पीडीएफ डाउनलोड करने कह जो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी जो मैंने चाहते
पीडीएफ पाया डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक करूँ आपर टेलीग्राम जब यूज कर टेलीग्राम रे जॉइन हो पारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप रे जॉइन हो पारे व्हाट्सएप लिंक रे क्लिक कलापर आपू चैनल ऑप्शन शो कर व्यू चैनल रे क्लिक कले आपको टॉप राइट कॉर्नर रे फॉलो ऑप्शन देखे फॉलो ऑप्शन रे क्लिक कले आपने जॉइन हो जाए चैनल जो मैंने टेलीग्राम रे लिंक रे क्लिक कर टेलीग्राम रे लिंक रे क्लिक कर सारापर आपने सीधा सड़क जॉइन चैनल रे मारिकी आप जॉइन हो पारे जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करा चाहते सीधा सब डिस्क्रिप्शन को जातु टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जॉइन हूँ और से आपारे निजर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और सब डिटेल्स पढ़ी पारे और अप्लाय करेंगे अप्लाई कर लिंक मुझे प्रोवाइड करदे समस्त ऑल द बेस्ट थैंक यू।